गंदे पानी पीकर लोग बीमार हो रहे हैं। बीएमसी में कंप्लेंट करने के बाद भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं। मलाड मालवानी क्षेत्र में गंदे पानी की समस्या काफी बढ़ती जा रही है, चाहे वह एमएचबी कॉलोनी हो या महाडा, हर जगह गंदा पानी आ रहा है। लोग गंदा पानी पीकर उल्टी कर रहे हैं, पानी में गंदी बदबू आ रही है, लोग काफी परेशान हैं। जनता का कहना है कि पानी पी भी नहीं सकते और नहा भी नहीं सकते। सोसाइटी में ज्यादा बच्चे और बुजुर्ग है, इस पर जनता का कहना है कि बीएमसी को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। बीएमसी में कंप्लेंट करने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, फोन नहीं लगता है और जब फोन लगता है तो कंप्लेंट नंबर दे दिया जाता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। एक महिला ने हमें बताया कि उनको बीएमसी की ओर से कंप्लेंट नंबर दिया गया और उन्होंने कहा हम आएंगे, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। सोसाइटी के एक युवक ने ट्विटर पर भी कंप्लेंट किया, उनका कहना है कि पॉलिटिशियन सिर्फ अपने मतलब के लिए रिप्लाई करते हैं, और इस युवक ने उसके बाद सोशल पर गंदे पानी की समस्या की पोस्ट डाली। आइए देखते हैं खबर फेस टू फेस की यह रिपोर्ट। दर्शकों स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। इस समय मौजूद है माड़ा सोसाइटी नंबर 136 सर्वे सोसाइटी, यहाँ पर और भी सोसाइटी में जगह जगह गंदा पानी काफ़ी दिनों से आ रहा है, बहुत ही गंदा पानी आ रहा है जिसको फिल्टर भी नहीं किया जा सकता, बहुत बास आ रही है और यहाँ की जनता काफ़ी परेशान है। यहाँ वहाँ कंप्लेन कर रही है और कंप्लेन नंबर भी मिला है, तो आइए यहाँ के मेम्बर से बात करते हैं। इतना गंदा पानी आता है ना, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग सब उम्र वाले हैं, पी भी नहीं सकते ना नहा सकते, इतना गंदा पानी आता था। आप लोग कुछ एक्शन लो प्लीज। अच्छा आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूँगी कि बीएमसी कॉलोनी बीएमसी वालों भी एक्शन लेना चाहिए, और जिनको हमने पानी के लिए कंप्लेंट की है वो कोई एक्शन नहीं ले रहे। कितने कॉल कर रहे हैं तो एक कॉल उठा के फिर बाकी सब कॉल मिस कर दे रहे हैं, ये क्या बात है। और फिर बाद में दो एक कॉल वापस करे तो उसमें बोले कि हमारे आदमी आएंगे, उसके बाद में कोई आया नहीं और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। फिर हम बीएमसी में कॉल किए, बीएमसी लोगों ने हमको कंप्लेंट नंबर ये दिए हुए कंप्लेंट नंबर दिए है ये कंप्लेंट नंबर है, बीएमसी में कॉल किए थे तो ये कंप्लेंट नंबर दिया गया है 0722569 6 और ये क्या 63 663 663। तो ये कब से आ रहा है? मैं भी खुद एक पेशेंट हूँ और हम लोग पेशेंट हम खुद बीमार पड़ जाएंगे तो हमारे बच्चों को, और यहाँ पर सोसाइटी में 20 से 25 बच्चे छोटे बच्चे हैं और यहाँ पर बूढ़े इंसान भी, हर घर में दो बूढ़े इंसान है, कोई घर में एक है, वो इंसान बीमार हो जाएंगे तो कौन हमको संभालेगा और इसका खर्चा कौन देगा दवाखाने का, और बीमार पड़ेंगे तो परेशान होंगे तो उनका उसकी परेशानी कौन उठाएगा। तो अभी तक आपने फिलहाल अभी ये बीएमसी में ही कंप्लेंट की कॉल करके ये बीएमसी लेटर वगैरह भी नहीं किए, क्योंकि पहले भी कर चुके हैं दूसरे सोसाइटी वालों ने भी, तो तभी भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। फिर मैंने कल जाकर उनसे नंबर ली, फिर हमारे लोगों ने हमारी सोसाइटी में से फ़ोन किए तो ऐसा कर कल, और इसलिए मैंने आज वापस से बीएमसी का कॉल नंबर लेके कॉल करी हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप आपके घर में कैसा पानी आ रहा है, आप लोग पीते हो पानी? हम लोग यहाँ पे पानी बहुत गंदा आ रहा है और हम लोग पहले पानी पीने से बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, वैसे भी हालात बहुत ख़राब है कि लोग बोलते हैं कोरोना कोरोना, यहाँ पे कुछ भी बीमारी होगी तो लोग कोरोना में डाल देंगे, तो उससे बेहतर ये है कि आप ज़रा ये सोसाइटी के हालात ज़रा सुधारिए, पानी को ज़रा देखिए और पानी के लिए कुछ दीजिए ताकि आपके घर में कैसा पानी आ रहा है? ऐसा आप लोग पी सकते हो पानी या नहा सकते हैं? नहा सकते हैं तो आप लोग पी सकते हैं। पानी कहाँ से इस्तेमाल करेंगे? बाहर से खरीद के? खरीद के, और इनकी कैपेसिटी किसी की भी नहीं है कि कोई खरीद ले, अभी माहौल कैसा है है ना। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि यहाँ की जनता बता रही है बहुत गंदा पानी आ रहा है, पानी बहुत ज्यादा बात आ रही है, मतलब उसको फिल्टर करके भी पी नहीं सकते, ऐसा पानी बहुत ज्यादा गंदा आ रहा था। पानी कभी भी इधर सफा हुआ ही नहीं बच्चे को, एक हफ्ते के बाद में पहले भी बहुत गंदा ही आता था, क्यों ऐसा है? पानी क्यों नहीं सफा देते? पानी क्यों सफा नहीं आ रहा है ये बता रहे हैं, ये जो पानी पी रहे हैं उल्टी आ रही है। और कोई महिला का कहना है क्या करें इस बीमारी को लेकर, अगर कोई बीमार पड़ता है तो उनको कोरोना में डाल दिया जाएगा, तो इसको इस पर प्रशासन को पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। मैं कैमरा मैन शोएब के साथ दिशा रानी, खबर फेस टू फेस मुंबई। क्या बोलना चाहिए? मैं बोल रहा हूँ कि ट्विटर के ऊपर मैंने ट्वीट भी किया हूँ ऑफिशियली, लेकिन मतलब जो पॉलिटिशियंस होते हैं
वो अपने मतलब की चीज़ को ही रिप्लाई करते हैं। मतलब ये पानी का जो इतना बड़ा मुद्दा है अपने इधर कि पानी से इतनी ज़्यादा बीमारियाँ जो फैल रही है इंडिया के अंदर वो पानी की वजह से। आपने किसका ये बीएमसी का ट्वीट किया हूँ, आदित्य ठाकरे का ट्वीट किया हूँ और असलम शेख का ट्वीट किया। मतलब ये तीनों लोगों को मैं जानता हूँ, ये हो गया 2-3 दिन हो गया लेकिन ट्वीट का कोई रिप्लाई मेरे को नहीं मिला। उसके बाद में मैंने फेसबुक पे पोस्ट किया हूँ। अभी भी पीला आ रहा है, अभी भी पीला आ रहा है।